हेलो गाइस, दिस इज रितवन। वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से दो नोटिस रिलीज किए गए हैं। पहला नोटिस आप लोगों के प्रैक्टिकल की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है और दूसरा नोटिस आप लोगों के एग्जाम चॉइस से रिलेटेड है कि आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं या ऑफलाइन एग्जाम देना चाहते हैं। तो गाइस, इन दो नोटिस को ही हम इस वीडियो में देखेंगे अच्छे से। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, इसको फुल और लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लेना जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए गाइस, फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइज, ये हमारा पहला नोटिस है और आप सभी को पता है कि लो कोर्सेज के जो एग्जाम है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में कराए जाएंगे। ऑनलाइन ऑप्शन चूज करने के लिए आप सभी को यूनिवर्सिटी ने पहले मौका दे दिया है जिसकी लास्ट डेट 3/7/2021 थी। तो गाइज, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने इस नोटिस के माध्यम से ये बताया है कि कोई भी बच्चा अगर अभी भी ऐसा है जो ऑनलाइन एग्जाम देना चाहता है लेकिन उसने पहले ये ऑप्शन चूज नहीं किया था, तो अब उसको एक मौका दिया जा रहा है। उसके पास 14 और 15 दो दिन तक का टाइम है। अगर वो ऑनलाइन एग्जाम देना चाहता है तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करे और ऑनलाइन का ऑप्शन चूज कर ले। और अगर कोई ऑफलाइन एग्जाम देना चाहता है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, ये उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अभी तक ऑप्शन चूज नहीं किया है। जिन्होंने 3/7/2021 तक ऑप्शन अपना ऑनलाइन वाला चूज कर लिया था उनके लिए ये नोटिस नहीं है। और ये नोटिस सिर्फ और सिर्फ BLLB 10 सेमेस्टर, LLB 3 ईयर के 1 और 6 सेमेस्टर और LLM 1 और 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है और किसी कोर्सेज के लिए नहीं है। तो गाइस, इन कोर्सेज से रिलेटेड और इन सेमेस्टर से रिलेटेड जो भी ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक ऑनलाइन का ऑप्शन चूज नहीं किया है और वो ऑनलाइन एग्जाम देना चाहता है तो उसके पास दो दिन तक का टाइम है। अगर आप ये नोटिस अच्छे से रीड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इस नोटिस की पिक्चर आप लोगों को इंस्टेंट फेसबुक के पेज पर मिल जाएगी। उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गाइज, ये हमारा सेकेंड नोटिस है और ये नोटिस आप लोगों के प्रैक्टिकल और वाइवा से रिलेटेड है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये नोटिस आप लोगों के BLLB, LLB, LLM के और सेमेस्टर के प्रैक्टिकल और वाइवा से रिलेटेड है। इसी के साथ साथ में एग्रीकल्चर, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम के और सेमेस्टर के प्रैक्टिकल और वाइवा से रिलेटेड है। गाइस, सबसे पहले यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस रिलीज किया था जिसमें BLLB, LLB और LLM के और सेमेस्टर के प्रैक्टिकल कराने की बात कही थी ऑनलाइन। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने एक और नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने लो कोर्सेज के और सेमेस्टर के साथ साथ एग्रीकल्चर, कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस के और सेमेस्टर के प्रैक्टिकल और वाइवा को भी ऑनलाइन कराने के लिए बोल दिया। ठीक है, अब ये यूनिवर्सिटी का तीसरा नोटिस है गाइस, और इसमें देखिए क्या बताया गया है। यहाँ लिखा गया है कि जो दूसरा नोटिस जारी किया था उसमें थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। अब लो कोर्सेज के साथ साथ साइंस, एग्रीकल्चर और कॉमर्स के सम सेमेस्टर और सेमेस्टर के प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। यहाँ से अब आर्ट्स को हटा दिया गया है। अब आप लोगों के प्रैक्टिकल COVID-19 के समस्त प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ऑफलाइन कराए जाएंगे। देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा है। और आप लोगों का जो वाइवा है वो आप लोगों की सुविधा के अनुसार ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में कराया जा सकता है। ये कॉलेज को डिसाइड करना है कि वो बच्चों के अनुसार क्या तय करेगा, वाइवा आपका ऑफलाइन कराए या ऑनलाइन कराए। प्रैक्टिकल तो आप लोगों का ऑफलाइन होगा, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी वाइवा कराते टाइम पे क्या क्या निर्देशों को फॉलो करना है वो 8/7/2021 को जो नोटिस निकाला था यूनिवर्सिटी ने उसमें जो भी लिखे हुए हैं निर्देश वही फॉलो किए जाएंगे। और गाइज, यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। गाइज, यही दो नोटिस आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर मैंने आप लोगों को सब अच्छे से समझा दिया है। इस नोटिस को पढ़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम फेसबुक के पेज पर चले जाइएगा, वहाँ आप लोगों को ये नोटिस मिल जाएगा। तो गाइज, अब आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।